ये पर्दा बनना चाहिए ना, असल चीज ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवान मशीनरी स्टोर से फहीम खान। आज हम लाए आपको रेन गन के हवाले से बताने लगे। ये रेन गन की हमारी 10वीं सीरीज है, जिसमें हम गौर 80 रेन गन और इसके सिस्टम के बारे में आपसे बात करेंगे। ये रेन गन दुकार 80 तुर्की की रेन गन है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रेन गन है। ये एक टर्बाइन टेक्नोलॉजी से चल रही है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इस रेन गन से आप जो पानी लगा रहे हैं फसलों को, वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मुकम्मल हर जगह पर पानी आसानी से और बराबर जाता है। इसकी वर्किंग वीडियो भी हम आपको दिखाएँगे और इसकी मजीद इसको किस तरीके से हम चला रहे हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। ये इसका रेन गन का स्टैंड है नीचे, और इसके फ़वाद भी आपको बताएँगे कि और इस रेन गन को चलाने के लिए हमने एक हाई प्रेशर पंप का इस्तेमाल किया है, और इसके साथ साथ इस फ्रेम के ऊपर हमने एक तीसरा इंजन लगाया है 25 हॉर्स पावर का, जो इसको पंप को चलाने में मदद करता है। और ये सेल्फ स्टार्ट इंजन होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और ये इसका पाइप है, जो कि 200 फुट तक ये रेन गन पाइप, इस फोल्डिंग वाले पाइप को जिसे कैनवस पाइप कहते हैं, हाई प्रेशर वाला, ये पाइप 200 फुट तक जो है कवर कर सकता है। 200 फुट लंबाई में अगर आप इसे बिछा देते हैं तो प्रेशर के ऊपर कोई ज़्यादा असर अंदाज नहीं होता। ये इसका सक्शन पाइप है और ये बड़ा मजबूत सिस्टम हमने चैनल में तैयार किया है, किसी किस्म की कोई एंगल नहीं है, ये चैनल के फ्रेम में बना है। और इस रेन गन के ज़रिए आप लोग आप 100 से 110 फीट तक का थ्रो ले सकते हैं, और इससे आप अपने एक एकड़ से कुछ कम हिस्सा कर सकते हैं। ये ज़्यादातर जो बरानी इलाके के फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि बरानी इलाकों में ज़्यादातर रकबा जो है वो कनाल्स में होते हैं और वहाँ पे पानी की बड़ी तंगी होती है, तो उनके लिए बड़ा इजी टू यूज़ है। इसको आसानी से किसी भी गाड़ी के साथ, जैसे कि ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये इसका हुक लगा है, आसानी के साथ इसको किसी गाड़ी या ट्रैक्टर या किसी भी चीज़ के साथ बांध के घसीट सकते हैं। बल्कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि 25 हॉर्स पावर का बैटरी जल लगा है, तो इसको मैं हाथ से भी उठा सकता हूँ और ला सकता हूँ, ये आसानी से आगे पीछे मूव हो सकता है। तो इसके बड़े टायर लगाए गए, इसके टायर यहाँ पे दिखाएं, बड़े टायर लगाए गए ताकि फील्ड के अंदर किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। और रेन गन के साथ भी हमने टायर लगा दिए, ताकि रेन गन के स्टैंड को, इस स्टैंड को बड़ा बनाना भी ज़रूरी होता है। इसको एक तो आसानी से मूव किया जा सके, क्योंकि इसकी लंबाई ज़रा बड़ी रखनी पड़ती है, क्योंकि रेन गन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होने की वजह से स्टैंड, आमतौर पर जो ट्राईपॉड स्टैंड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो गिर जाते हैं, इसीलिए इस स्टैंड का इस्तेमाल किया गया है। बाकी इसकी वर्किंग वीडियो हम फील्ड में जाके इसको अभी यहाँ से रवाना करने लगे, फील्ड में जाके वर्किंग वीडियो भी आपको दिखाते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो थ्रो है वो 100 से 110 फीट तक होता है, उसका मतलब ये नहीं है, ये इसमें मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि 100 से 110 फीट से मुराद इसका रेडियस है, यानी 100 से 110 फीट, यानी अगर रेन गन 100 फुट थ्रो कर रही है तो इससे मुराद ये है कि इसका जो एरिया होगा वो 200 फुट का एरिया ये कवर करेगी, यानी ये जो सर्कल बनाएगी वो 200 फुट का होगा और इसका जो रेडियस बनेगा वो 100 फुट का होगा। अभी हम इसको यहाँ से इसकी लोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं सियालकोट के इलाके में, और वहाँ पे ये इंस्टॉल करेंगे और आपको इसकी वर्किंग वीडियो भी दिखाएंगे। ये पर्दा बनना चाहिए ना, असल चीज़ ये है उस्ताद जी, ये जेड़ा पर्दा बनना भी है ना, बारिश जेड़ी प्रॉपर थींदी पी है, जितू रेन गन, इस रेन गन की जड़ी खासियत है ना, इस रेन गन की जड़ी सब तो अच्छी खासियत है कि जितू रेन गन स्टार्ट थींदी पी, उतू गेन के टेल जितने तक प्रेशर उतने तक पानी स्टे से, इंदी खासियत है। ये 100 फुट तो ज़्यादा है, 100%।